पंद्रह 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 सांगतो सगळं सांगतो, काळजी करू नको। अरे माइक भी तो यूज करना होता है एक्चुअली। हाँ बहुत बढ़िया। क्या हो गया? सही बात, जब तक तेरी वाली नहीं आती तब तक तू मेरी तारीफ कर सकता है, उसके बाद तेरी मजबूरी है उसकी तारीफ करना। गुड मॉर्निंग सर। थर की छोकरो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को पहले ही बता दूं, आज थोड़ा सा टाइम पास होने वाला है, बिकॉज बहुत दिनों बाद मैं इन लोगों से मिला हूं, तो बहुत सारी बातें होने वाली है ना। हाँ मैंने भी अभी ये नोटिस किया, कैसा लग रहा है कि उधर से उतर के सब इधर आ गए। भाई क्या हालचाल, कंघी कर लिया बाल? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग मैम। ओह आप आए हैं आज क्लास में, मैंने कहा इसको रेफर करके भूल ही गया ये। उफ, पूरी 8 बजे की अटेंडेंस की वाट लग गई है ना। अमेजिंग। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई एम बैक एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोर देन अ ट्रिप, इट वाज अ प्रॉमिस व्हिच आई फुलफिल्ड। एंड मुझे ऐसा बिलीव होता है, मुझे लगता है कि सीए फाउंडेशन तक की जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत शॉर्ट लाइफ और शॉर्ट लिव्ड होती है, बिकॉज फाउंडेशन हर कोई क्लियर करेगा नहीं करेगा, उसके बाद भी सीए परस्यू करेगा नहीं करेगा पता नहीं। मतलब ऐसा बहुत बड़ा नंबर है जो सीए फाउंडेशन पास कर जाता है और सीए ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉपर्स का नंबर बहुत हाई है। फिर सबकी चॉइस होती है कि इंटरमीडिएट की क्लास कौन कहाँ लगाएगा नहीं लगाएगा। सो मैं भी जब फाउंडेशन पास हुआ था मेरे सारे फ्रेंड्स स्कैटर हो गए थे। आई वॉज इन अमरावती, आई स्टेड बैक इन अमरावती फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, कुछ पुणे चले गए कुछ मुंबई चले गए। बट इंटरमीडिएट की जो दोस्ती होती है ना वो काफी लॉन्ग लिव्ड हो सकती है। मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स आर नॉट लॉन्ग लिव्ड बट फ्रेंडशिप इज। आई विल शेयर टू इंस्टेंस हो भैया। तो मैं जब इंटरमीडिएट में था तो हमारा सर्कल काफी बड़ा था, बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत सारे दोस्त थे और आज भी वो सर्कल है। तो ये बात मुझे याद है, ये बात इंटर के बाद सीए फाइनल की है। और सीए फाइनल में मैं और दर्शन हम लोग लाइब्रेरी में बैठा करते थे। आप लोगों का वो फेज आएगा, जब इंटर की एग्जाम नजदीक आएगी तब वो फेज आएगा, प्रोवाइडेड वो डिसिप्लिन हो। तो आपको याद हो तो क्लास में मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि आपकी क्लासेस जब खत्म हो जाएगी ना तो आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि मेरी क्लास रोज सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 होती थी, तो मैं उस डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। द ओनली डिफरेंस इज मेरी क्लास नहीं होगी, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, है ना। एंड आई थिंक अगर उतना डिसिप्लिन फॉलो कर लिया तो फिर 8 के पहले भी आप फ्री और 5:30 के बाद भी फ्री हो। तो हम लोग लाइब्रेरी में जब बैठते थे तो बहुत परेशान होते थे और हमारा रूल था, रूल वॉज वेरी सिंपल, 2 घंटे का सिटिंग और फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे का सिटिंग, फिर 15 मिनट का ब्रेक। ये 15 मिनट का जो ब्रेक होता था ना, इसमें हम लोग जाते थे टू हैव अ कप ऑफ टी, तो कटिंग चाय हम लोग पीते थे। यू नो कटिंग चाय 1/2 है ना, दैट इज कटिंग चाय। तो हम लोग वो कटिंग चाय जब पीते थे तो आप इमेजिन करो, दो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के जिन्होंने हमेशा बस ये देखा है कि मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कमाई हो रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ है नहीं,
और दूर दूर तक परिवार में कोई सीए भी नहीं है, तो देर आर मिलियंस ऑफ ड्रीम्स, है ना। मुझे लगता है कि जो थोड़े इकोनॉमिकली डिप्राइव बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास सपने थोड़े ज्यादा होते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं जिस ट्रिप पे था उस पर हर टाइप के लोग थे, आई जस्ट टेल यू। तो हमने बहुत सारे सपने देखे सीए बनने के बाद, यू नो कुछ क्या होता है, मतलब बॉयज से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या क्या खरीदना चाहोगे सीए बनने के बाद? गाड़ी, चलो ठीक है गाड़ी, और मोबाइल, अच्छा मोबाइल, बेस्ट मोबाइल, या आई थिंक वो तो मम्मी पापा ने आपका सपना ऑलरेडी पूरा कर दिया होगा प्रोबेबली, ठीक है। बट लेट मी पुट अप द, ऑब्वियसली मम्मी पापा 2 लाख का मोबाइल तो नहीं दिलाएंगे आपको, है ना। तो द बेस्ट मोबाइल और पैलेस, अबे फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं, इसमें पैलेस खरीदना है, बताओ। हाँ जी मेंशन, ओके। और I am not a very hardcore real estate lover because मुझे लगता है वहां से ROI नहीं निकल सकता है। जिंदगी का ROI real estate के ROI से better होता है। I think you would like to have a good portfolio, good equity portfolio. You would like to have a good lifestyle. When I define lifestyle, it means जब हम लोग पढ़ते थे तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग पुणे में जिस एरिया में रहते थे उसका नाम था सदाशिव पेट, उसकी पीछे की गली में एक दुकान थी जहां पर फर्स्ट कॉपी ब्रांडेड टी शर्ट्स मिलते थे 150 रुपए में। तो फर्स्ट कॉपी का मतलब पता है ना सबको, हाँ। तो बस वही हम लोग पहना करते थे। तो लाइफ स्टाइल का मतलब है जब हम किसी को देखते थे ना कि यार इसने क्या कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, तो वो एक अंदर से आता था एक बार साला सीए बन जाए ना, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। बॉयज के पास तो बहुत ज्यादा होता नहीं क्योंकि गर्ल्स की एक्सेसरीज बहुत होती है, पर बॉयज के पास एक्सेसरी के नाम पे सिर्फ वॉचेस होती है, दैट इज वन ऑफ द यू नो समथिंग। अब वो बोलने की बात है भाई के घड़ी तो सब सेम टाइम बताती है, सब फालतू है, बट ऑल सेट एंड डन। ऐसे बहुत सारे सपने देखे थे और उसमें से एक दिन मुझे अभी भी याद है, ये कुछ 2009-10 की बात है, हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर कड़क कटिंग चाय पीते समय एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन सीए बन जाएंगे ना उस दिन हम एक दिन फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे दोनों अपने खर्चे पे, और वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए हम लोग गए थे। इट वॉज अ लॉन्डो वाली ट्रिप, फॉरेन ट्रिप काइंड ऑफ, या नाउ द आइडिया वॉज इफ यू गो विद द नोन पीपल, हमारा जो दोस्तों का सर्कल है वो 20 लोगों का है। और मैं जो दूसरी स्टोरी आपसे कह रहा था वो ये है कि इंटरमीडिएट की दोस्ती परमानेंट हो सकती है, वो ये कि उन 20 लोगों ने मिलके एक सीए की पार्टनरशिप फर्म बनाई है, प्रैक्टिसिंग फर्म ऑफ 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे इंटरमीडिएट वाले, ये जो हमारे सर्कल के लोग थे। नाउ यू मे आस्क व्हाई डू यू नीड 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू मेक यू नो अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज यू कैन प्रोवाइड मोर सर्विसेज टू क्लाइंट, यू कैन कैटर मोर क्लाइंट्स, एंड 20 क्लाइंट्स, 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे हैव ऑफिसेज इन ऑलमोस्ट आई थिंक 12 सिटीज इन इंडिया। अब आप ये सोचिए ज्योग्राफिकली आप कितना स्कैटर्ड कर सकते हैं, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, एवरीवेयर, है ना। सो हर जगह आपके ऑफिसेज हैं। तो जो मैं कह रहा था कि आपकी इंटरमीडिएट की जो दोस्ती होती है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में टर्न अप हो सकती है। सो अब आइडिया था कि ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप कैसी करनी चाहिए। सो बिग टेक अवेज फ्रॉम द ट्रिप इज ये जो ट्रिप था इट वॉज अ ट्रिप विद स्ट्रेंजर्स, सो नो वन न्यू ईच अदर। इनफैक्ट बहुत बड़ी घटना हो गई, आप व्लॉग्स में देखेंगे कि जब मैं और दर्शन सर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो दर्शन सर को मना कर दिया फ्लाइट में चढ़ाने से, और मैं इंडोनेशिया अकेला गया था। हाँ ये व्लॉग में पता चलेगा, मैं ब्लूपर पहले ही आपको दे रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी सैड इंस्टेंस। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, चेक इन काउंटर पे पहुंचे, मैंने पहले मेरा पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह दिखाया, मुझे बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया, और फिर दर्शन मेरे पास खड़ा था, दर्शन ने अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाया और उसे कहा यू कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट। जो फटके लाल हुई, भाई क्या हो गया ये, ऐसे कैसे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एयरलाइन के कस्टमर सर्विस डेस्क पे भेजा। सो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो वहां पे आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चलता है, वहां चलता है पासपोर्ट। आपकी इकलौती आइडेंटिटी होती है पासपोर्ट, और पासपोर्ट पे जो नाम है वो आपके टिकट से मैच होना चाहिए। तो दर्शन का पासपोर्ट पे नाम था दर्शन किरणराज जैन, पापा का नाम किरणराज जैन,
लेकिन टिकट बनाते समय उसके भैया ने नाम डाला दर्शन जैन, और वो किरण राज मिस होने के वजह से दर्शन फ्लाइट पे नहीं चढ़ा, उसको वापस भेज दिया एयरपोर्ट से बाहर। और मैं इतना हैरान, क्योंकि आप इमेजिन करो ट्रिप स्टार्ट हुई थी कि साथ में जाएंगे, और मैं पूरी मतलब 9 घंटे की फ्लाइट अकेला था, पास की सीट खाली थी जिसपे ऐसा दर्शन बैठा होता था। ऑब्वियसली उस साइड एक अच्छी लड़की बैठी थी, बट बीच में दर्शन बैठा होता था। एंड यू सी इट वॉज सो बैड, मतलब आप इमेजिन करो ट्रिप स्टार्ट हुआ इस चीज से। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम सॉल्वेबल था, इट वॉज वेरी मच सॉल्वेबल, अगर हम एयरपोर्ट जल्दी पहुंचते थे। बट हमारे माननीय दोस्त गए थे एक डेट पे, तो वहां से आए लेट, डेट ने कर दिया लेट, और एयरपोर्ट पे लगे बैन। आप समझिए, हमने कस्टमर केयर पे बात की, मैंने दर्शन से कहा भाई मैं कैंसिल करता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तू नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊं, क्योंकि तब तक सर्टन नहीं था वो चलेगा या नहीं चलेगा। फिर बहुत मशक्कत की मैं, तो माई फ्लाइट टुक ऑफ, और फिर दर्शन ने वहां से दूसरी फ्लाइट ली बैंगलोर की, वो दिल्ली से गया बैंगलोर, और बैंगलोर से नई टिकट बुक कराई, मतलब वो टिकट का पैसा गया पूरा, जो विस्टारा की हमारी टिकट थी, दिल्ली बाली, बाली दिल्ली, दोनों साइड की टिकट कैंसिल, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में रूल है अगर कस्टमर जा नहीं रहा है तो आएगा कैसे। तो अगर आपके जाने की टिकट में नो शो है तो आने की टिकट कैंसिल हो जाती है, तो वो कुछ 70,000 रुपए की टिकट थी वो तो कैंसिल हो गई। फिर उसका एक्स्ट्रा खर्चा, वहां से गया बैंगलोर नई टिकट लेके, बैंगलोर से नई फ्लाइट बुक की बाली के लिए, इंडिया से दो ही डायरेक्ट फ्लाइट है बाली के लिए, एक बैंगलोर से और एक दिल्ली से। सो बैंगलोर से दूसरी फ्लाइट बुक की, उसका कुछ 40,000-50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा, और वापस भी मतलब हम दोनों अलग अलग आए, मैं दिल्ली आया एंड ही केम टू बैंगलोर, बट ही केम। I was so scared, man, that this trip was planned as a trip for both of them. But ये क्या हो गया? मतलब time पे airport पे पहुँच के, मतलब how this happened? And it was a very very different experience. Now coming to Bali, Indonesia is a Muslim country where more than 90% of the population is Muslim. उनको वहाँ Muslim नहीं Moslem कहा जाता है, MOSLIM. इंडोनेशिया में दे आर नोन एज मुस्लिम। लेकिन इंडोनेशिया का जो एक प्रांत है, प्रोविंस है बाली, जैसे हमारे यहां स्टेट्स होते हैं वैसे एक स्टेट समझ लीजिए, वो 85% हिंदू देश है, प्रोविंस है। सो मुस्लिम देश में एक हिंदू प्रोविंस है बाली, 85% लोग हिंदू है, और बाली जो नाम है वो आपने अगर देखा होगा रामायण वगैरह में पढ़ा होगा, तो वहां से, वहां के नाम से आता है। एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब कुछ मैंने ब्लॉग्स में कवर किया, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारे रामायण में कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। जैसे नेपाल का जिक्र हुआ है, राइट, कि सीता जी नेपाल से थे तो राम जी वहां गए थे, तो हमें पता है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट है। अयोध्या, श्रीलंका, राम जी ने दो फॉरेन टूर किए, श्रीलंका भी गए और नेपाल भी गए, पर राम जी इंडोनेशिया तो कभी गए नहीं। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि ये सब हुआ कैसे, और उसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि कई साल पहले एक हिंदुस्तानी बाली आया था, जिसने बाली की खोज की थी, और क्योंकि उसने बाली की खोज की थी और क्योंकि वो सनातन धर्म को फॉलो करता है, वहां पे लोग हिंदू नहीं कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म फॉलो करता था तो इसलिए वहां पे सब लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं, एंड एवरीवन बिकेम लुक लाइक हिंदू। बट वो हिंदू हम लोगों से काफी अलग है, रिलीजियस वाइज सेम है, मतलब वो भी हनुमान जी, राम जी, हर जगह आपको व्लॉग्स में आप देखोगे वही स्टैचूज दिख रहे हैं, एवरी चौक एवरीवेयर विष्णु जी एंड ऑल दैट। बट उनके टेम्पल्स में यू आर अलाउड टू गो विथ फुटवेयर्स, जैसे हमारे यहाँ हम फुटवेयर्स बाहर खोलते हैं, उनके टेम्पल्स में पीपल गो एंड ड्रिंक, दे ड्रिंक विस्की, वाइन, बियर, एवरीथिंग इन द टेम्पल्स, हमारे यहाँ तो चरणामृत होता है। सो देर आर कल्चरल डिफरेंसेस। नाउ दिस ट्रिप वॉज अमेजिंग बिकॉज देर वर 18 पीपल इन टोटल, दो या तीन लोगों की और फ्लाइट छूट गई थी, 17 लोग थे टोटल, तो डीजे के अलावा भी और कुछ ऐसे सैंपल थे जिनकी फ्लाइट छूट गई और वो आए नहीं ट्रिप पे फिर कभी, तो हम 17 लोग थे ट्रिप पे। लेकिन ये 17 लोग अलग अलग बैकग्राउंड और एज ग्रुप के थे, आई रिमेंबर उसमें जो सबसे छोटे थे, यंगेस्ट दो लोग, वो तो शायद आई थिंक 21 साल की उम्र के दो लोग थे, दो भाई थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और कुछ बड़े भी थे, सो इट वॉज अ वेरी वेरी मिक्स्ड ग्रुप। दी लर्निंग वॉज यू गेट टू नो पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको सीखने का मौका मिला।
फॉर मी दिस ट्रिप वॉज मोर ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिकॉज मैं द मोमेंट आई गॉट अ स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट दैट आई डिपार्टेड फ्रॉम इंडिया आई फॉरगॉट दैट आई एम अ टीचर आई फॉरगॉट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ आई फॉरगॉट एंड आई एम यू नो समवन सन हस्बैंड फादर एनीथिंग ब्रदर नथिंग इट वॉज जस्ट माई सेल्फ एंड ट्रस्ट मी एट टाइम्स इट्स रिक्वायर्ड आई व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट माई लाइफ इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड आपको कभी कभी ये लगता है कि यार मैं सिर्फ मैं हूं मुझे कोई जज नहीं कर रहा है मतलब अगर मैं कभी यहाँ पे इमेजिन करो हाफ पैंट और कुछ ऐसे अलग टाइप के कपड़े पहन के आ जाऊं सब जने जज करेंगे इमीडिएटली जज करेंगे वो होगा वो नॉर्मल है क्या नहीं है चिवरे ए, जामुन का नाम ऐसे जामुन थोड़ी पड़ा है सो पॉइंट होता है आप समझ रहे हो लेकिन जब आप सिर्फ खुद होते हो ना तब आपको किसी का डर नहीं है आपको कोई जज नहीं करेगा तो मेरे लिए ये ट्रिप सबसे पहली बात जो थी वो था सेल्फ एक्सप्लोरेशन जहां पे आई जस्ट वॉन्टेड टू नो मोर ऑफ माई सेल्फ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता था सेकेंड मुझे बहुत सारी चीजों का डर था फियर अपनी लाइफ में तो वो फियर को ओवरकम करना एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी लाइक आई डोंट नो स्विमिंग मुझे बचपन से कभी सिखाया नहीं स्विमिंग क्योंकि कभी किसी पंडित ने बचपन में मेरी मम्मी से कह दिया कि आपके बेटे को जल से घात है अरे यार आई कांट टेल यू लगी हुई स्विमिंग क्लास छुड़वा दी मेरी कि नहीं स्विमिंग नहीं करना तेरा स्विमिंग करने का मन हो बाथरूम में बैठ जाकर बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द अंडरसी लाइफ दैट हाउ अंडरसी लाइफ एग्जैक्टली लुक्स लाइक स्विमिंग तो नहीं आती तो कैसे करें सो मैंने लिटरली इतना करेजियस था कि डायरेक्टली ओशियन में छलांग लगाई एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 30-35 फीट डीप और इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर वन मोमेंट वेरी स्कैरी बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ इट विल हैपन और मैंने देखा ऐसे बहुत सारे नॉन स्विमर्स थे बिकॉज जैसे मैं गया था अपने मन का फियर निकालने ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जो कह रहे थे कि हमें हमारे मन का फियर निकालना है तो जब वो लोगों ने जंप किया तो वो पैनिक हो गए और वो पैनिक के चक्कर में ज्यादा डूब रहे थे एवरीवन वोर द लाइफ जैकेट बट पैनिक होने के चक्कर में ज्यादा डूब रहे थे बिकॉज वो फियर था कि मैं डूब जाऊंगा जबकि जो ट्रेनर था उसने क्लियरली बोला आप नहीं डूबोगे बिकॉज आपने लाइफ जैकेट पहन रखा है मतलब आप डूबना चाहोगे तो भी नहीं डूब सकते हो तो वो पैनिक हो गए उनको देखकर मैं पैनिक हो गया वहां पे पता है मुझे एक बहुत बड़ा सबक ये मिला कि हम लोग दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इजंट इट अब आप इसको मतलब देखो मैं वहां पे टीचर नहीं था बट मेरी जो लर्निंग से वो बहुत काम आएगी हम लोग दूसरों से बहुत प्रभावित होते हैं अच्छी चीजों में भी और गलत चीजों में भी काफी बार हम कोई चीज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी और को उसमें असफलता प्राप्त हुई है तो हम लोग एक डिसीजन बना लेते हैं जैसे कि बहुत सिंपल है इंडिया का पासिंग परसेंटेज अगर इतना है तो मैं तो फेल ही होने वाला हूं ये हमने सोच रखा है ये एक हमारी मेंटेलिटी बन जाती है तो हमें तीन जगह डाइव करना था तीन अलग अलग पार्ट्स में ओशियन के क्योंकि वहां अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे एक्वेटिक एनिमल्स तो पहली जगह तो मैं डाइव किया ही नहीं क्योंकि आई एम टेलिंग मतलब आई वॉज लिटरली स्वेटिंग विथ फियर मैन मर गया तो क्या होगा ये होगा वो होगा बेटा तुमको तो रिकॉर्डेड मिल जाता था पर मैं खुद रिकॉर्ड बन जाता था फिर जब सेकंड जगह पे गए तो सेकंड जगह पे जब गए ना तो मुझे दो लोगों ने कहा कि यार तू एक काम कर तू जंप कर एंड यू जस्ट होल्ड अवर हैंड्स एंड वी विल इंश्योर दैट यू डोंट गेट पैनिक्ड तुझे बस एक काम करना है तू जैसे हंसते हंसते अभी बैठा है बोट में वैसे ही हंसते हंसते तुझे जंप करना है मैन आर यू क्रेजी मैन एंड वॉट आई डिड इज आई टेल यू बिकॉज मुझे ये करना था मुझे इसका बहुत डर था मुझे ये करना था मैंने उन दो लोगों पर ट्रस्ट कर लिया ब्लाइंडली ऑब्वियसली एक डीजे था और एक कोई और थी तो मैंने दोनों पर ट्रस्ट कर लिया और मैंने कहा कि ठीक है वॉट एवर हैपन्स लेट्स डू इट एंड आई लिटरली जम्प दे जस्ट गेव मी वन इंस्ट्रक्शन द मोमेंट यू जम्प डोंट ट्राई टू स्विम मैंने देखा जो लोग पैनिक कर रहे हैं ना उनकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है वो स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तुम्हें स्विम आती नहीं है ना तो तुम स्विम क्यों कर रहे हो तुम्हें सिर्फ फ्लोट करना है
जो मुझे सिखाया गया मैं बता रहा हूं कि अंशुल आपको सिर्फ फ्लोट करना है, आप जंप करो और आप एक स्ट्रेट पोजिशन में फ्लोट करने की कोशिश करो, डोंट फ्लोट लाइक हॉरिजॉन्टली, जस्ट ट्राई टू स्टैंड एंड द लाइफ जैकेट विल सपोर्ट यू, और हम दो जने हम आपको पकड़ के रखेंगे. आई ट्राइड दैट एंड इट एक्चुअली हैपेंड. आई एम टेलिंग यू, आई वॉज सो एडामेंट कि मैं फुटवेयर्स के साथ जाऊंगा अंदर, बिकॉज नीचे कोई मछली वछली काट गई तो लगता है ना ऐसा. हमने वो पिराना विराना मूवी देखी है, दो चार मूवी भाई साहब ऐसा नीचे से आधा आदमी अंदर ही चला जाता है. अभी मैंने एक लेटेस्ट मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, पैरिस अंडर वाटर. माई गुडनेस, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था. अच्छा किसी ने वहां चिल्ला दिया शार्क शार्क शार्क, तो भाई साहब तो मैं वो पर्सन हूं जो कभी फिश पेडी की और भी नहीं करवा सकता, मेरे को डर लगता है सब मछली वछली से. वो शार्क वाक खा के निकल ली तो मेरा तो हो गया. मैंने कहा मैं फुटवेयर्स के साथ जाऊंगा, तो उसने कहा, मेरे ट्रेनर ने कहा भाई देख ले फुटवेयर अगर चले गए तो तेरा नुकसान होगा, फिर बोलना मत. मैंने कहा नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खोल के जाऊंगा. फिर मैंने लिटरली जंप किया, दो लोगों ने पकड़ा था एंड आई जस्ट जंप विदाउट एनी अदर थॉट्स इन माइंड, बिकॉज क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिप पे था जहां मेरे पास कोई तरीके का फियर नहीं था. नहीं तो नॉर्मली जब स्वाति मैम साथ में होता है, विवान होता है, तो थोड़ा फियर होता है, यू कांट टेक रिस्क. इस बार तो साला लोन है जितना रिस्क लेना है. आई जस्ट जंप्ड ऑफ एंड इट टुक मी 1 मिनट टू स्टैंड स्टिल इन द वॉटर, ट्रस्ट मी. फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ डू यू फ्लोट, एंड आफ्टर 5 मिनट्स आई वॉज लिटरली टू अ सर्टन एक्सटेंट मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड. आई वॉज डूइंग दैट एंड वेन आई जस्ट टर्न एंड वेंट डाउन इन साइड द ओशियन, I just can't explain in words. Actually, it was a ZNMD moment for me. मैं आपको सही में बता नहीं सकता कि what I actually felt inside. It was so different feeling, man. It's a different world altogether. एक पूरी अलग दुनिया है. आप सोचिए 30 feet नीचे आप देख रहे हैं, आपको वहां पर एक अलग दुनिया दिख रही है. जैसे हमारे घर होते हैं वैसे उन लोगों के, यू नो, अलग अलग टाइप के प्लांट्स स्पीशीज होते हैं, इतनी अलग कलर की फिशेस होती है. आई सॉ वेरी बिग टर्टल, उसका एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, वेरी बिग टर्टल. एंड लिटरली आई मीन इट वॉज स्केरी बट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग. फिर थर्ड जंप जब करना था ना, तब ना सपोर्ट की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी, देन आई जस्ट जंप्ड ऑफ. इससे मुझे दूसरा लेसन, या आप लोगों को दूसरा लेसन पता है क्या मिलता है, कि कोई भी चीज डर तब तक रहती है जब तक आप उसे फेस नहीं करते. आपका टेस्ट राइट, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था क्लास में, वो स्केरी था कब तक, जब तक फेस नहीं किया था हमने. अब कहीं ना कहीं सबका माइंडसेट है कि जैसा उस दिन हुआ वैसा किसी भी दिन हो सकता है, तो अब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं. तो आई एम टेलिंग यू दीज ऑल थिंग्स नॉट जस्ट हेल्प्स अस इन अवर एकेडमिक लाइफ बट इन अवर लाइफ एज सच, वो हमें पता चलेगा. देन व्हेन वी वर ऑन अ बोट, बहुत लंबा रास्ता था, 4 घंटे का बोट का सेलिंग था. तो बोट के सेलिंग पे आई जस्ट वेंट एंड सेट ऑन द टॉप, बिकॉज वो बहुत हाई टाइड्स आ रहे थे एंड बोट वॉज लिटरली जंपिंग ऑलमोस्ट आई थिंक 10 फीट ऊपर जंप कर रही थी. सो हाई टाइड्स आ रहे थे, वाटर स्प्लैश हो रहा था, बट वो भीगने में भी ना एक अलग मजा था, कोई डर नहीं था. अरे नमक का पानी है, समुद्र का पानी है, इसमें गंदगी होगी, ये होगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, डूब रहे. I did lot of adventurous activities, went to forest between all the reptiles, snakes and all those things. So that was another fear, but you know, this trip helped me to overcome that fear. All said and done, this trip was a more of self-exploration and it really helped me to, you know, take things forward, because whatever has happened in my life in last 9 months, it has really shattered me from inside, because कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था. मेरी एक स्टूडेंट है लीमा, शी इज इन कोलकाता, अगर कोई है तो आपको याद होगा, तो व्लॉग्स वगैरह में भी आपने पहले देखा होगा, शी इज इन सीए फाइनल राइट नाउ. सो यस्टरडे शी हैड अ बैड डे. कभी कभी आप लोगों के साथ भी होगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोग कॉल करेंगे और कितने लोगों से मैं बात कर पाऊंगा. तो उसके साथ ना आर्टिकलशिप में कुछ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा मतलब वेरी बैड डे. तो वो बुरी तरह शैटर हो गई. उसका मैसेज आया था कि सर आई एम फीलिंग लाइक गिविंग अप, अब मुझे नहीं करना सीए, सर लाइफ बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, यू नो. सो आई स्पोक टू हर व्हेन आई वाज एट एयरपोर्ट. तो लीमा ने कहा सर जब भी ऐसा होता है ना, आई लुक एट योर लाइफ
और फिर मुझे वहां से पता चलता है कि जब अंशुल सर के साथ इतना कुछ हुआ है, हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, बट सर हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। मैंने कहा यार मैं और आप लोगों के साथ भी मुझे लगा ये कॉन्वर्जेशन करना चाहिए क्योंकि इट हैज अ कॉन्टेक्स्ट टू जो 7 तारीख को होने वाला है उसके साथ। मैं जब अनअकैडमी में था ना तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था, लेकिन मैं अब जब सोचता हूं ना तो मैं कंफर्ट जोन में आ गया था कुछ हद तक। हर एक इंसान के मल्टीपल पहलू होते हैं, चेहरे होते हैं, राइट? तो मेरा वन ऑफ द पहलू इज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं छोटा था तब से ही मैं बिजनेस बिजनेस को समझता हूँ क्योंकि उस सराउंडिंग में पला बड़ा हूँ, आसपास में देखा है। मैं ना कभी जॉब नहीं कर सकता, मैंने डिलॉयट इसीलिए क्विट किया बिकॉज मुझे जॉब करना नहीं पसंद था। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट एक ही दिन था, 3 अक्टूबर 2011-2012, और एक साल में मुझे 3 इंक्रीमेंट्स मिले थे डिलॉयट में जो कभी नहीं हुआ डिलॉयट में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड मनी एंड प्रमोशन एवरीथिंग आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज पता है मैं जब काम करता था ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं कंपनी के लिए कर रहा हूं जिसके लिए कंपनी मुझे सैलरी पे कर रही है और 4-8% इंक्रीमेंट मिलेगा मुझे, दैट्स ऑल, बट मैं खुद की वैल्यू एडिशन कुछ नहीं कर रहा हूं। सो मुझे समझ में आया कि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूं तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं फॉरेन गया, वहां पे भी मैं जॉब कर रहा था बट मेरा जॉब का स्ट्रक्चर अलग था। सो आपको जैसे अभी हम अगले टॉपिक में मटेरियल कॉस्ट में पढ़ेंगे, फिक्स्ड पे प्लस वेरिएबल पे, वेरिएबल पे को PLI कहते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा उतना ज्यादा आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। उसने थोड़ी मुझे किक दी थी, वो पे स्ट्रक्चर ने किक दी थी। दूसरा कि किस चीज से मिली थी कि चलो इंडिया के बाहर जाएंगे, अगेन एज आई सेड मिडिल क्लास फैमिली का बंदा वो चाहता है कि चलो मुझे विदेश घूमना है तो बाहर जाएंगे, बाहर जॉब करेंगे, बाहर बहुत पैसा मिला। मतलब आपको पता है जो स्टॉक में भी मैंने शेयर किया है कि मेरा पैकेज 1 करोड़ रुपए का था उस समय, एक साल का, और ये बात है 2012 की, सीए बनने के एक साल बाद। एंड द जॉब प्रोफाइल वॉज अ ड्रीम प्रोफाइल फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन फाइनेंस। आप FM पढ़ रहे हैं, FM में टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वो मेरा जॉब प्रोफाइल था। तो कंपनी अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाहती थी तो मैं उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करता था, एंड इट इज अ ड्रीम प्रोफाइल फॉर एनी सीए। आई थिंक राइट नाउ यू आर वेरी यंग टू अंडरस्टैंड कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है, बट मे बी एट अ लेटर स्टेज यू विल अंडरस्टैंड। इंडिया में तो बहुत मुश्किल से मिलती है जॉब क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है, लेकिन इस जॉब में पैसा बहुत है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये जॉब प्रोफाइल में दोनों में बहुत पैसा है, भरपूर पैसा है। तो 1 करोड़ रुपए का पैकेज प्लस वेरिएबल, आप ये सोचिए, और ये पूरी की पूरी सैलरी नॉन टैक्स सैलरी होगी क्योंकि मैं इंडिया के बाहर रह रहा था, सैलरी मेरी आती थी उस समय चाइना में बैंक अकाउंट में आती थी, यूएस डॉलर में आती थी, तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, पूरा पैसा सेव हो रहा था। लेकिन फिर वो जॉब छोड़ के मैं वापस इंडिया में आया बिकॉज वहां पर सोशल लाइफ नहीं थी। आई वॉज इन नाइजीरिया जो कि बहुत अनसेफ कंट्री थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज अ कंट्री वेयर किडनैपिंग इज लिटरली लीगल। आई मीन यस, पीपल नो हु आर द किडनैपर्स एंड किडनैपर्स व्हेन दे कम टू किडनैप दे कम विद द लिस्ट, हमें इस बंदे को उठाना है, और वो दरवाजे से नहीं घुड़ते, रॉकेट लॉन्चर से दीवार फोड़ते हैं, अंदर से निकालते हैं, लेके निकल जाते हैं। ये रूल है वहां। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज नाइजीरिया बहुत गरीब देश है, वहां पे दो ही क्लास है, अपर क्लास या लोअर क्लास, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मिडिल क्लास। मैं जिस समय 2012-13 में नाइजीरिया में रहता था उस समय 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, 18 घंटे का पावर कट। एक गरीब से गरीब इंसान जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसके घर में जनरेटर होता था, खाने के लिए खाना नहीं हो पर जनरेटर जरूर होता था क्योंकि 18 घंटे लोड शेडिंग में कैसे रहोगे। हमने बचपन में साइंस में वर्ड्स पढ़े, आपको याद है स्टारवेशन? स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जहां पे स्टारवेशन के पास, मुझे अभी भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर वो इमेज याद है, काला बच्चा होता था, गरीब था, वो बच्चे देखे हैं मैंने वहां, नहीं भाई ऐसे मत करो, रेसिस्ट मत बनो यार, ठीक है? लिटरली बहुत ज्यादा गंदगी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज नाइजीरिया की सरकार बहुत करप्ट थी। अब ये लोग, पता है ये लोग देखते हैं कि हमारे देश में बाहर से लोग आ रहे हैं,
क्योंकि नाइजीरिया इस धरती का फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वायर था। मतलब आप जमीन खोदोगे ना, पानी नहीं मिलेगा, तेल मिलेगा, इतना ज्यादा वहां पे था। वहां पे पेट्रोल का रेट था 10 रुपए लीटर, जब मैं रहता था तब 10 रुपीज, इंडियन करेंसी में बता रहा हूं, 10 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब अपने यहां कुछ 60 रुपए चल रहा था। तो वहां पे वो लोग देखते थे कि फॉरेन से लोग आ रहे हैं और यहां आकर हमारे देश से कमा रहे हैं और जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फिर दूसरा रास्ता आजमाया कि जो फॉरेनर्स यहां आ रहे हैं ना, उनको किडनैप कर लो, उनको किडनैप करो और कंपनी से फिरौती मांगो। कंपनी तो फिरौती देगी देगी, क्योंकि उसको एक्सपैट्रिएट्स कहा जाता है टैक्सेशन की भाषा में, एक्सपैट्रिएट्स आर वेरी प्रेशियस, तो कंपनी तो फिरौती देगी देगी, उनको किडनैप कर लो, उठा लो। तो वहां पर लोगों ने ये रास्ता आजमा लिया, अलग अलग मिलके ग्रुप बना लिए, जिसको हम हमारे यहाँ नक्सलाइट्स वगैरह कहते हैं ना, वैसे वहां पे ग्रुप्स बना लिए लोगों ने, तो लोग उठाने लगे। अभी अपने यहाँ पे भी आप देखिए, बिहार में है या किसी और जगह पे है, नक्सलाइट जहां है, नक्सलाइट्स कौन है, ये एग्जैक्टली यही है जो आप समझ रहे हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर कुछ मूवीज भी बनी, आप देखना, नक्सल्स कौन है, ये एग्जैक्टली वही है जो सरकार से परेशान होते हैं, जरूरतों के मजबूर होते हैं और उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो लोग ये चीज करते हैं। तो वो लिटरली किडनैपिंग करते थे और लोगों को लेकर चले जाते थे। सोशल लाइफ कुछ नहीं थी, यू कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग। अब साला 1 करोड़ रुपया कमा के आप कर क्या सकते हो, कुछ नहीं, आपको रहना कंपनी के प्रीमाइसेस में ही है। ज्यादा से ज्यादा आप, मैं मेरा प्रोफाइल बताऊं तो मैं महीने में एक बार कभी लंदन या दुबई जाता था, जब वहां जाता था बहुत पैसे उड़ा के आता था, पर कितना ही उड़ा लोगे और क्या ही कर लोगे। देन आई केम बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर हियर इन इंडिया, आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई एक्चुअली रियलाइज्ड, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि मनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक हमें क्या लगता है कि पैसा कितना भी कमाओ, पैसा इज एन एक्सेप्शन ऑफ डीएमयू, है ना, उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होती है, बट फॉर मी इट वॉज नॉट द केस। When I came to India, I started teaching, I understood what is my passion. और मुझे real में kick कहाँ मिलती है। और आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा, मतलब आप जब छोटे रहे होंगे तब शायद आपके स्कूल के बाहर एक बंदा समोसा बेच रहा है और आज भी वो समोसा ही बेच रहा है। अब उसको देखकर काफी बार दिमाग में थॉट आते हैं कि यार हम लोग, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि सीए बनने के बाद गाड़ी खरीदनी है ना, मैंशन, पैलेस, ये वो, ये समोसे वाले के माइंड में नहीं आते होंगे क्या थॉट, आते होंगे राइट, और वो तो पूरा नहीं कर पाया, पर फिर भी आज भी अगर आप उसको देखोगे ना, वो उतना ही खुश है जितना आप छोटे थे समोसा बेचता था तब। हाउ इज दैट पॉसिबल, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी, हाउ इज दैट पॉसिबल। पिछले 10 सालों से वो समोसा बेच रहा है, उसके सपने पूरे नहीं हुए, फिर भी वो खुश है और हम खुश नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? कैसे, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं, वही तो आंसर दे रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं, कैसे सैटिस्फाइड है वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, महंगी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बट फिर भी वो लोग क्या है, सैटिस्फाइड है, एंड इट इज द सैटिस्फैक्शन दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो मैं जब यू नो अन अकेडमी में था, ये जो जर्नी चल रही थी, इट वॉज गुड बिकॉज आई वॉज डूइंग वॉट आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉज टोटली फोकसिंग ऑन द कॉन्टेंट, पूरी तरह अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा था मैं, मुझे कोई और काम नहीं देखना था, कोई कुछ नहीं करना था। लेकिन जब ये इंस्टेंस हुआ, जो कि आप इमेजिन कीजिए ना कैसे रहा होगा, आप में से कोई था क्या, जब मैं इंडिया टूर पे था, कोई मिला था मुझसे इंडिया टूर पे था जब मैं, ओके आप मिले थे बैंगलोर में, या सो व्हेन आई वेंट ऑन, या आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट ऑन इंडिया टूर, इट स्टार्टेड, आई डोंट नो कितनों को पता है, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम 10th of August फ्रॉम बैंगलोर, 11th आई वाज इन हैदराबाद, देन 12th आई वेंट टू कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता ऑन 13th आई वेंट टू पटना, 14th आई वेंट टू चंडीगढ़, 15th आई वेंट टू जयपुर, एंड 16th आई वेंट टू अहमदाबाद, और 16 को रात को 10-11 बजे मैं अपने घर बैंगलोर वापस पहुंचा था। तो आइडिया वॉज टू मेक अ सर्कल ऑन द मैप ऑफ इंडिया, आई ट्रेवल 7,700 किलोमीटर्स ऑल द वे, और 7 दिनों में 7 शहर कवर किए,
यू वोंट बिलीव, मैं कोई और ड्रेस नहीं लेके गया था, सिर्फ अन अकेडमी की टी शर्ट एंड यू नो लॉट्स ऑफ जीन्स एंड ऑल दैट सॉर्ट. कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम लोग यू नो प्रमोट कर रहे हैं सीए एज अ प्रोफेशन को. मैं एक फ्लैग लेकर चला था सीए का, और मैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे हर जगह यू नो पीपल यूज टू आस्क ये क्या है. सीए प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना था, अन अकेडमी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना था. एंड देन आई रीच्ड 16th नाइट, 17th डे आई जस्ट टुक अ डे ऑफ, और 18th को मैं ऑफिस जाता हूँ. इट वॉज अ नॉर्मल डे, रेगुलर डे के मीटिंग है आज ऑफिस में, और मैं मीटिंग करके घर पे पहुंचता हूं, तब तक मुझे निकाल दिया जाता है. वो निकाले जाने के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि आज तक मेरा फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं हुआ है. मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा रिफंड नहीं आया, कुछ लोगों के आ गए कुछ लोगों के नहीं आए. आई रियली डोंट नो. अनअकैडमी से इतने लोग निकाले गए या निकले हैं, सिर्फ दो लोगों का फाइनेंशियल सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ है. एक है अंशुल अग्रवाल और दूसरी है स्वाति अग्रवाल. Because it became personal. It was not just any more professional. It became personal. किसी के ईगो को हर्ट कर गया वो. मेरे पेरेंट्स की मेडिकल पॉलिसीज कैंसिल कर दी. आपकी जानकारी के लिए वो दिन और आज का दिन अभी भी मेरे पेरेंट्स मेडिकल पॉलिसीज से बाहर है. दे डोंट हैव मेडिकल इंश्योरेंस और उनको मिल भी नहीं सकता है क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री है. पापा को 1st जनवरी 2023 को हार्ट अटैक आया था और मम्मी को उससे पहले 2022 में कैंसर हुआ था. तो मेडिकल हिस्ट्री जब होती है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देती, और क्योंकि पापा की एज अब 60 भी हो गई है तो वैसे भी नहीं मिलना है. सो माय पेरेंट्स वर इंश्योर्ड अंडर द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान ऑफ द कंपनी एंड आई वॉज पेइंग द प्रीमियम. मतलब आपको इसलिए बता रहा हूं, आप जब जॉब पे लगोगे तो जॉब पे लगने के बाद कंपनी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है, पेरेंट्स का नहीं करती है. बट पेरेंट्स का आप कवर करवा सकते हो बाय पेइंग प्रीमियम, और वो कभी भी एडवाइजेबल है क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% होता है. लेकिन अगर आप रिटेल पॉलिसीज देखेंगे क्लेम सेटलमेंट में बहुत पंगे करते हैं, बहुत परेशानी करते हैं. मेरे पास दोनों थी. मुझे कहा गया कि यार क्यों दो दो का प्रीमियम पे करते हो, पर्सनल वाली सरेंडर कर दो, हो ना तुम अनअकैडमी में 10 साल. अरे अनअकैडमी में से अगर एजुकेटर्स को निकालेंगे यू विल बी द लास्ट वन टू बी लेफ्ट आउट. मैं भी ट्रस्ट कर रहा था बिकॉज सब सही चल रहा था. मैंने पेरेंट्स की इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दी पर्सनल वाली, एंड इट वॉज ओनली एंड ओनली द कॉर्पोरेट पॉलिसी. 18th अगस्त को जब ये केस हुआ, उसके एक महीने बाद पापा वापस हॉस्पिटलाइज हुए थे. आई थॉट वी आर इन द इंश्योरेंस कवर, और जब क्लेम करने गए तब पता चला कि पॉलिसी ही कैंसिल कर दी. तो फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं हुआ, पॉलिसी कैंसिल हो गई जो अलग. फिर 18 के बाद तो 2 या 3 दिनों में एकाग्रता बन गया था. 23rd अगस्त वॉज एकाग्रता देयर इन एज अ नेम एज अ ब्रांड, इट वॉज देयर. लोगो भी बन चुका था 23rd को. 29th को हमने लॉन्चिंग किया. 1st सितंबर से बैच चालू हुआ, फर्स्ट बैच ऑफ एकाग्रता, एंड इट वेंट वेल. अनअकैडमी से रिफंड्स नहीं आए थे बच्चों को, काफी लेट हो चुके थे टू स्टार्ट विद मे 24 इंटरमीडिएट बैचेस, एंड स्टिल स्टूडेंट ज्वाइंड अस. सो ये चीज कहते ना, आप 3 इडियट्स का एक डायलॉग देखा आपने, पता है कि अगर हम फेल हो जाते तो हमें कम दुख होता है, पर अगर हमारा दोस्त पास हो जाता है ना हमें ज्यादा दुख होता है. जितने भी लोग वहां से निकले थे, निकाला गया तो एक ही था मैं, और मैं मतलब बहुत प्राउडली ये चीज कहता हूं कि मुझे टर्मिनेट किया गया है, मैंने रिजाइन नहीं किया. मैं रिजाइन क्यों करता था, करता ही नहीं था. आप में से जितने भी लोग मुझे पहले से जानते थे, यू गिव मी वन रीजन टू रिजाइन, देयर वाज नो रीजन. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउडली शेयरिंग दिस फैक्ट दैट अनअकैडमी में 4,000 टीचर थे. आई वॉज द हाइएस्ट पेड एजुकेटर आउट ऑफ 4,000 टीचर्स, और मैंने अपनी काबिलियत पे ये मुकाम हासिल किया था. जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं कहीं पे भी नहीं था, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे निकाला मैं 4,000 टीचर्स में से सबसे हाईएस्ट पेड एजुकेटर ऑफ एन एकेडमी था. आई वाज ड्रॉइंग सैलरी मोर देन द सीईओ ऑफ द कंपनी, बिकॉज मैं उससे कई गुना कमा के दे रहा था कंपनी को, 7 times 8 times देन व्हाट आई वाज गेटिंग. बट ये जो हुआ, आप एक बार इमेजिन करो ना, एकदम से आपकी इनकम बंद हो गई. सी ऑब्वियसली सेविंग्स है, वो सारी चीजें हैं, बट एकदम से आपकी इनकम बंद हो गई.
मैं उस दिन 4 बजे मेरा लेक्चर था, कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक मुझे पढ़ाना था, मुझे अभी भी याद है, फाउंडेशन में आई वॉज सपोज टू स्टार्ट, मेरी स्लाइड रेडी, सब कुछ रेडी, मैं सिस्टम के सामने बैठता हूँ और वहां लिखा हुआ आता है दैट योर कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर रिव्यू। पता नहीं भगवान ने कहां से बुद्धि दी, मैंने पहली चीज उस समय जो की ना वो की एक लॉयर को हायर किया, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि ये एक नई जंग चालू हो गई है, और पैरेलली मुझे कुछ करना भी था, कुछ स्टार्ट करना था, तो एकाग्रता की वहां से शुरुआत हुई। बहुत सारे ऑफर्स आए, ट्रस्ट मी, कहते हैं ना एक लड़की जिसका ब्रेकअप होता है वो लड़की कई लड़कों के रडार पे होती है ना, मतलब इट्स लाइक अ खुला घाव, तो जैसे खुले घाव पे बैक्टीरिया तैयार होता है ना अटैक करने के लिए, हाँ वैसे ही। अच्छा एक लड़के का ब्रेकअप होगा ना तो कोई तैयार नहीं होगा, पर एक लड़की का ब्रेकअप हुआ लोग कंधा देंगे, शर्ट देंगे आंसू पोंछने के लिए, आजा मैं तेरे आंसू पोंछ दूं, बहुत कुछ हो। मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ, 18 अगस्त को ये इंसिडेंस हुआ, बहुत ज्यादा बाहर नहीं आया, उन 18 तारीख को शाम को 7:28 पे भाई साहब मुझे बताए बिना कंपनी ने एक मास मेल शूट कर दिया 22,000 बच्चों को, कैंशुल अग्रवाल इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद अन अकेडमी। और फिर उसके बाद मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक पब्लिक नोट देना पड़ा कि हाँ अब मैं एसोसिएटेड नहीं हूं। 19 तारीख को मेरे पास, आप सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, हर वो पर्सन का कॉल आया इंडिया के टू गिव मी एन ऑफर, आप हमें ज्वाइन कर लो, आप ये कर लो वो कर लो, और नीचे वाले चमचों का नहीं, डायरेक्ट ओनर का, मतलब लिटरली आप सोच भी नहीं सकते हो, सबका कॉल, और ऐसे पैकेजेस, ऐसे अमाउंट्स के मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं आपको ये कह रहा हूं आई वॉज हाईएस्ट पेड एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी, तो आप उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, वी डोंट नीड टू क्वांटिफाई द फिगर्स। और जब मैं कह रहा हूं कि मुझे ऑफर्स आई, ऑफर कभी भी ऊपर की आती, नीचे की नहीं आती, और ऊपर की भी जब आती है ना तो वो मल्टीप्लायर में आती है। ऑफर्स कैसी, आप हमसे अभी 2 साल की सैलरी एडवांस में ले लो, आप एक काम करिए, आप ज्वाइनिंग बोनस ले लीजिए, सैलरी अलग, आप बोलिए क्या चाहिए, विल कम टू योर होम एंड विल डिस्कस, यू टेल अस व्हाट यू वांट, बस आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने बहुत प्रोसेस किया, और मैं सच बता रहा हूं, मनी नेवर फैसिनेटेड मी, बिकॉज आप लोग तो अब फेस टू फेस वाले स्पेशली मुझे, और ऑनलाइन वाले भी जानते हैं, बट फेस टू फेस वाले मुझे काफी टाइम से जानते हैं। मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी लाइफस्टाइल वो है जो मैं अब अपनी पूरी लाइफ अफोर्ड कर सकता हूं। ऑनेस्टली जब मैंने कार ली थी तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी कार ली थी, तो उन्होंने ली थी मर्सिडीज और मैंने ली एमजी हेक्टर, हम दोनों ले सकते थे, ठीक है। सो ही क्वेश्चन मी व्हाई एमजी हेक्टर, 25 लाख कार, तुच्छ सी कार, आई डोंट मार्क, यू नो 75 लाख कार, आई एम वेरी गुड, मेरे को जब बैठना होगा तेरी गाड़ी में बैठ जाऊंगा भाई, सिंपल है ना। मेरा जब एपिसोड हुआ ना, उसके 2 दिन बाद उसको भी निकाल दिया अकेडमी से। अब पता है क्या हुआ, अब पता है क्या हुआ, दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में हम दोनों ने अपनी कार सर्विसिंग में दी, ध्यान से सुनना, नवंबर दिसंबर में हम दोनों ने अपनी कार सर्विसिंग में दी, मेरे कार की सर्विसिंग का बिल आया 4,000 रुपए, उसकी मर्सिडीज का बिल आया 1.5 लाख रुपए। अब नवंबर दिसंबर में जब मैं एकाग्रता में था, बट मेरी वो फिक्स इनकम नहीं थी जो अनअकैडमी से हुआ करती थी, मेरे लिए 4,000 रुपए पे करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हो गई। आज उस भाई ने अपनी कार पे कवर लगाकर पार्किंग में रखा है, और घर में जो एक सेकेंडरी कार है हुंडई की, वो कार चला रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथ अच्छी चीज ये हुई, जो शायद आप लोग एक सबक की तरह ले सकते हो, वो ये कि मैंने इतना पैसा कमा कर भी ना अपनी लाइफस्टाइल को अनअफोर्डेबल कभी नहीं बनाया। I'll be very honest with you. मैंने कभी भी
ऐसे कोई शौक नहीं पाले जिसको, जो पहली बात तो मेरा एडिक्शन बन जाए और दूसरी बात मैं उसे पूरा ना कर सकूं। मतलब मैं हमेशा पता है अपने लाइफ में कैलकुलेशन रखता हूं। सपोज आज मैं काम करना बंद कर दूं कोई भी कारण से, इच्छा से नहीं या मजबूरी से, तो जितने भी समय मैं रहूंगा तो क्या मैं मेरी परिवार की जिम्मेदारी इसी लाइफस्टाइल से मैं पूरी कर सकता हूं? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, एंड दैट इज हाउ आई डिफाइन सक्सेस। व्हाटएवर माय प्रिवेलिंग लाइफस्टाइल व्हिच अकॉर्डिंग टू मी आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी गुड। अभी साले 150 रुपए की टी शर्ट पहनने वाला बंदा था यार मैं, ठीक है, वहां से मैं हूं। अपने ग्रास रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो भूल गए ना तो फिर तो खेल खत्म है। अच्छा, जो मेरा दोस्त था उसका वही पंगा है, उसके पापा नहीं है, बैकग्राउंड उसका भी ऐसा ही है, पर भाई ने जिंदगी की पहली कार ही मर्सिडीज उठा ली क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा पैसा आया अनअकैडमी से। अच्छा हुआ ये कि जब उसको भी पैसा मिला था मुझे भी मिला था। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी कैसे काम करता है, लेट मी टेल यू, समझदारी, धंधा समझता है ना सबको। धंधा क्या कहता है, तुम मेरे को कमा के दो फिर मैं तुमको दूंगा, ये धंधा सस्टेन करेगा। अगर कोई धंधे में यह नियम होता है मैं तुमको पहले दूंगा फिर तुम मेरे को कमा कर देना, वो धंधा सस्टेन करेगा क्या? भाई जी उसका यही तो हुआ। अनअकैडमी का भी यही हुआ है। आपने आई डोंट नो न्यूज पढ़ी है कि नहीं, अभी लेटेस्ट में काफी न्यूज आई है उसको लेकर, नहीं पढ़िए तो बाद में क्लास के बाद देख लेना, गूगल न्यूज पे मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ एजुकेटर्स को लिटरली बांटा पैसा, और यही कंसेप्ट है ज्वाइनिंग बोनस, दो दो साल का एडवांस सैलरी। अबे एडवांस सैलरी तुम दे तो दोगे, वापस लेना हाथ में है क्या तुम्हारे? नहीं है। मैंने पहले दिन से पता है किस टर्म पे काम किया और मुझे बड़ा गर्व है इस चीज का, मैंने कभी एडवांस नहीं लिया क्योंकि मेरे को खुद से डर लगता था कि मैं आलसी बन जाऊंगा। जिस पॉइंट पे एडवांस लिया ना उस पॉइंट पे आलसी बन जाऊंगा। मेरा सिंपल था, मेरा एग्रीमेंट सिंपल था, जितनी मुझे जरूरत है उतना फिक्स्ड मुझे चाहिए हर महीने, उसके बदले में आपको इतने घंटे पढ़ाऊंगा, और मैं हमेशा उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाता था, और जितना मेरे थ्रू बिजनेस होगा उसका कुछ परसेंटेज आप मुझे दोगे। दैट्स वेरी लॉजिकल एंड सस्टेनेबल। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था ना उसका अलग था, उसने 2 साल का एडवांस ले रखा था। अब 2 साल का एडवांस ले लिया तो एक मोटी खासी रकम मिल गई, उसने खर्चा कर दिया मर्सिडीज में। अब आप समझिए, मेरे को जो पैसा मिलता गया मैं इन्वेस्ट करता गया, मतलब ट्रस्ट मी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है मैंने, मेरे को इस चीज का बहुत प्राउड है कि मैंने, और मेरी बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ही मेरी वाइफ है, हम दोनों ने कभी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखा है लेकिन कभी ऐसी चीजें नहीं रखी है जो हमारी पांव की बेड़ियां बन जाए। जैसे मर्सिडीज मैंने एक एग्जांपल दिया, आज पता ही हालत है वो उसको बेच नहीं सकता है क्योंकि बेचेगा तो 50% पैसा टूट गया, और उसको चला भी नहीं सकता है। अभी कल परसों से बात हो रही थी, यार वो ठोक गई है, किसी ट्रैक्टर वाले ने ठोक दिया, शोरूम में ले गए, 2.5 लाख रुपए कॉस्ट बता रहे हैं। हाँ रहने दिया भाई, कवर लगा के रख दिया उसने साइड में, रहने दिया। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरे पास जब भी पैसा आया मैंने उसको बहुत वाइजली इन्वेस्ट किया, पोर्टफोलियो बनाया, इक्विटी का, म्यूचुअल का, रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाया, गोल्ड का पोर्टफोलियो बनाया, एक स्कैटर्ड पोर्टफोलियो बनाया, जो मुझे पता है कि अब कभी जिंदगी में ऐसा डाउनफॉल आ भी जाए ना तो, डू यू एग्री विद मी, आई मस्ट बी एबल टू मेंटेन माई लाइफ स्टाइल। परिवार की जरूरतें मैं पूरी कर सकूं बैठ के बिना कुछ किए, वो मैंने एक इक्वेशन सेट कर लिया मेरी लाइफ में, कैलकुलेशन बेस्ड, सबका अपना अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अब एकाग्रता बना, बहुत अच्छा चला, हमारे ये इश्यूज चल ही रहे हैं, बहुत समय इंतजार किया, फिर 27 मार्च को फाइनली मैंने केस फाइल किया। 2 केसेस किए हैं बैंगलोर कोर्ट में, केसेस चल रहे हैं, उनकी सुलग गई क्योंकि पहली बार किसी एजुकेटर ने केस किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इंडोनेशिया जाने से 2 दिन पहले उन्होंने मेरे ऊपर एक केस किया है 2 करोड़ रुपए का, कि मुझे उनको 2 करोड़ रुपए पे करना है। मैंने केस किया 7 करोड़ का, मुझे 7 करोड़ लेने हैं कहने से। नहीं मैं क्यों 5 में सेटल करूं भाई? अच्छा मैं अभी बता रहा हूं, मेरा ये केस जो है ना ये पैसों का ही नहीं,
इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट द रिस्पेक्ट. इट इज नॉट अबाउट मनी, आई एम टेलिंग यू, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. अब आपको मैंने सब इसलिए बताया कि आप लोग जब क्लास में देखते हो ना कि सर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है. लाइफ में बहुत भसूड़ी मची पड़ी है, मैं बस इतना कहूंगा, ठीक है. ये हुआ एकाग्रता बना. एकाग्रता जब बना ना, मैं आप समझ लीजिए 15 दिनों के लिए इनकॉग्निटो था, तब जाकर एकाग्रता बनाए. कोई किसी, मैं सच बताऊं, मेरी जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, अपने रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट हो जाता हूं. एंड ट्रस्ट मी, मैं पिछले 5 दिनों से, इंडोनेशिया से आने के बाद से, मैं अपने रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट हूं. 7 तारीख तक. लेकिन 7 तारीख को ये सब अनाउंसमेंट होने के बाद, इसी तरह 8 तारीख को सुबह 8 बजे हम लोग क्लास में मिलेंगे. तब हम ऐसा ही एक और चर्चा वाला सेशन रखेंगे. अगर किसी को लगे भाई टाइम पास है तो स्किप कर लेना, मैं अभी से बता रहा हूं. और उस दिन आपके बहुत सारे मुझे आपके आंखों में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दिखेगी, या क्या दिखेगा, सवाल दिखेंगे, तो मैं वो सवालों का जवाब दूंगा. पर वो मैं करूंगा 8 तारीख को सुबह 8 बजे. एकाग्रता बना. बहुत अमेजिंग तरीके से हमने लाइव ऐप बनाया एकाग्रता CA, उस पर क्लासेस लेना चालू किया. 3 दिन में एजुकेटर्स स्टार्ट हो गए. अच्छा, होता ही है कि जब समय खराब होता है ना, तब कहते हैं तन का कपड़ा भी बैरी होता है. तो आपके वो एजुकेटर जो आपके साथ थे, वो भी कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं कि यार करना है कि नहीं. देखो क्या होता है, अभी तक क्या लग रहा था कि अनअकैडमी था, अंशुल सर सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहे थे, पैसा तो अनअकैडमी दे रहा था ना. तो अब ये पता नहीं था कि CA किसके वजह से चल रहा है, अनअकैडमी ब्रांड के वजह से चल रहा है या अंशुल अग्रवाल के वजह से चल रहा है. तो किसी का भी डाउट करना लाजमी है कि अब हमें एकाग्रता में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट. मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था कि मुझे अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को प्रूव करना था, मुझे अपने लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करना था. मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, इट वॉज वेरी टफ. तो ऐप बनाना, ब्रांड बनाना, कंपनी बनाना, रूल्स बनाना, ऑफिस ओपन करना, सारी चीजें इसका एक एवरीवेयर. लाइक यू टोल्ड इन मॉर्निंग कि सर कोई जज नहीं करेगा, बट ट्रस्ट मी, मैं पिछले 9 महीनों से जज ही हो रहा हूं. एवरीवन इज जजिंग. जिसके रिफंड्स नहीं मिले वो बजा के जाता था. आपने आई डोंट नो नोटिस किया कि नहीं, जब आपका ग्रुप 1 का बैच चालू हुआ था या उसके कुछ महीनों पहले से, मैंने कंप्लीट सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लिया था. पूरी तरह, नो व्लॉगिंग्स, नो इंस्टाग्राम, नथिंग. बिकॉज कुछ हेट कमेंट्स ना मुझे बहुत अफेक्ट करते थे, एंड इट स्टिल्स अफेक्ट मी. तो जो मेरे आसपास के लोग हैं, मतलब स्वाति मैम इज वन ऑफ देम, बट जो मेरे आसपास के लोग हैं वो लोग पता है इस चीज का ध्यान रखते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड के मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि क्या चीज मेरे तक आनी चाहिए और क्या चीज मेरे तक नहीं आनी चाहिए, वो उसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही खराब टाइप का इंसान हूं कि वो मुझे पहुंचने तक फिल्टर करे, उसके पहले मैं उधर तक पहुंच जाता हूं. तो वो हेट कमेंट्स जो थे ना, उन्होंने मुझे बहुत अफेक्ट किया. अच्छा, हेट कमेंट्स इवन दो स्टूडेंट्स के तरफ से आते हैं, बट मुझे पता है उसका इनिशिएट स्टूडेंट के तरफ से नहीं हुआ, वो इनिशिएट कहीं और से करवाया गया है. आप समझ रहे हो, मुझे वो भी पता होता था किसने किया क्या किया है. बट फिर अगेन अजहर मूवी का एक डायलॉग है जो उनके दादाजी ने कहा था और वो दिमाग में छपा है, साला अगर तू बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, पर अगर तेरा बल्ला बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा. और अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. तो किसी को बोल के जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिंपल है, आप एक बोलोगे ना सामने वाला 2 बोलेगा, आप 2 बोलोगे सामने वाला 4 बोलेगा. ये तो चलता रहेगा क्योंकि सामने वाला खाली है. समझ रहे हो, सामने वाला खाली है. आपको अगर जवाब देना है ना,
तो सिर्फ एक तरीके, जैसे आपके घर में भी आई एम श्योर हर एक की स्टोरी होगी, किसी की बुआ परेशान करती है, किसी के फूफा जी परेशान करते हैं, किसी के कोई रिश्तेदार मौसा जी। तो आपको मेरे भी केस में था, मेरे को बार बार आके ताने मार के जाते थे, अबे तू क्या सीए बनेगा, तू कभी नहीं बन सकता। अब मैं उनको मुंह पे जवाब नहीं दे सकता हूं, और दे भी दूंगा तो क्या होगी, बहस होगी। जिस दिन मैं सीए बनाना, मैंने सबसे पहले उनको प्रणाम किया, सबसे पहले बुआ जी प्रणाम, बन गयो सीए बन गयो, सब ठीक, हाँ आ जाना बुआ बधाई लेने के लिए। बुआओं को इंटरेस्ट किस चीज में होता है, बधाई, आ जाना बधाई लेने के लिए। भाई साहब वो दिन और आज का दिन बधाई लेने आई नहीं, क्योंकि शी इज नॉट हैप्पी, आप समझ रहे हो। तो ये अजहर मूवी का जो डायलॉग है, डोंट यू थिंक इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, कि अगर तू बोलेगा तो कुछ ही लोग आज सुनेंगे। मोहम्मद अजरुद्दीन को ये डायलॉग उनके दादा ने दिया, इट वॉज द लास्ट डायलॉग, उसके बाद दादा पास अवे हो गए। कि अजरुद्दीन बॉट जब गली में क्रिकेट खेलते थे हैदराबाद की गलियों में, तो उनके दोस्त उनको चिढ़ाते थे, बाकी लोग चिढ़ाते थे, तो दादाजी ने क्या कहा, अगर तू बोलेगा तो कुछ ही लोग आज सुनेंगे, लेकिन अगर तेरा भल्ला बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल ले लो ना यार, क्लासिक एग्जाम्पल है रिसेंट में यार। Isn't it same story, guys? Tell me. और हम सबकी है, ट्रस्ट मी, हम सबकी यही स्टोरी है। मैंने कहा यार मैं किस किस को जवाब दूं, मैं उन एजुकेटर्स को जवाब दूं जो कभी मेरे टीम में मेरे दोस्त बनके मेरे साथ बैठा करते थे, उठा करते थे, खाना खाया करते थे, मेरे घर पे आते थे, मैं उनके घर पे जा रहा हूं, अब वो मेरे साथ नहीं है और अब कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उनको बोल के जवाब दूं। अच्छा ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी थी, अनअकैडमी की तरफ से बैकलैश आ रहा है। अच्छा वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे मैं निकल जाऊं, क्योंकि मेरे निकलने से ही उनका रास्ता साफ होगा ना, जब तक मैं वहां था तब तक तो बच्चा उनको देखता भी नहीं, और मेरे निकलने के बाद वाओ दे आर अमेजिंग। सो वो लोग बैकलैश की लिस्ट में थे, बैकलैश की लिस्ट में स्टूडेंट्स एज आई सेड, बैकलैश की लिस्ट में वो लोग जिन्होंने मुझे 19 तारीख को ऑफर किया और मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। भाई किसी किसी का प्रस्ताव कभी ठुकरा दो तो उसके दिल पे चोट लग जाती है और वो घायल शेर बन जाता है, ईगो, तुमने मुझे मना कैसे कर दिया, हाउ डिड अंशुल डेड टू रिफ्यूज्ड आवर ऑफर। क्या चाहिए, पैसा चाहिए उसको, दो 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 पैसा दो, अरे भैया पैसे पे तो बिकते ही नहीं है। अगर पैसे पे बिकना होता था तो अनअकैडमी की जो मेरी मीटिंग हुई थी उसके अंदर तो मेरे को बोला गया ना, भैया ले लो पैसे, खत्म करो इसको, पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसे का तो एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत ही नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने, मेरे पास मैसेज है अभी भी, प्रूफ है, जब मैंने एमजी एक्टर ली थी, मैंने हमारे फाउंडर्स को, अनअकैडमी के फाउंडर्स को फोटोग्राफ भेजा था और मैंने लिखा था थैंक्स टू यू बिकॉज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ, ठीक है। उनका रिप्लाई पता है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी इफ यू वुड हैव बॉट मर्सिडीज, नेक्स्ट लाइन BMW, नेक्स्ट लाइन ऑडी। मैं आज उस मैसेज को देखकर अपनी बुद्धि को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को 1.5 लाख रुपए सर्विसिंग कॉस्ट देनी पड़ती थी। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं जो भी गाड़ी में हूं मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उसका 3-4 हजार रुपए सर्विस कॉस्ट है। मैंने अभी इंदौर में भी सर्विसिंग कराई, उस दिन आदर्श सर मेरे साथ है, आदर्श सर की नेक्सॉन की सर्विस कॉस्ट एमजी एक्टर से ज्यादा थी, मेरे यहां पे 3200 रुपए में सर्विसिंग हो गई। भाई मैं बहुत खुश हूं उससे, मैं क्यों, अगर आप एक्चुअली सोचो, इमेजिन करो, आज मेरे ऊपर कोई ईएमआई नहीं, आई एम अ डेट फ्री पर्सन, आज मेरे ऊपर अगर ईएमआई होती थी, आप मेरे को बताओ, मुझे पैसों के आगे मजबूर नहीं होना पड़ता था, बिल्कुल होना पड़ता था। आज मैं अगर एक ऐसे घर में रह रहा होता जिसका किराया 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना होता था, तो मुझे पैसों के आगे मजबूर नहीं होना पड़ता था, होना पड़ता था। अरे हमारे फ्रेटर्निटी में, नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रख्यात टीचर है, ऐसे टीचर है जिनकी महीने की दवाई का खर्चा 6 लाख रुपए है, क्योंकि दवाइयां ऑस्ट्रेलिया से आती है, क्योंकि जिंदगी के एक पड़ाव पे इतना पैसा कमाया उन्होंने कि शौक लग गया फॉरेन मेडिसिन का, तो इंडिया की दवाई लगनी बंद हो गई।
और अब हर महीने दवाइयां आती है ऑस्ट्रेलिया से और बिल है 6 लाख रुपए, आपको नहीं लगता ये इंसान मजबूर होगा पैसे के आगे? किसी को अल्कोहल का शौक होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव ये वो, भाई मेरे को ऐसे कोई शौक ही नहीं है। शौक होकर मजबूर नहीं हूं मैं ये कहना चाहता हूं। एकाग्रता बनाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस किए, आज हम हमारे सेंटर पे बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की ऐसे ब्रेक करने की, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जरियों से, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो 7 तारीख को होगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेर इज इट गोइंग एंड वेर इज इट नॉट गोइंग। आई मीन मैं किसी और से तो नहीं, बट 8 तारीख को सुबह जब 8 बजे आप लोगों के सामने इसी तरह वापस खड़ा हूंगा ना, उस दिन मैं आपसे अपना रिपोर्ट कार्ड लूंगा 8 तारीख को सुबह, जो है वो सही है या नहीं। हाँ जी, आप बोल देंगे मुझे, ठीक है, मैं वेट करूंगा सर। हाँ क्या क्या बोल रहा है? बस इतनी हिंट दूंगा, जो मैंने आपको ये पिछले 50 मिनट में 1 घंटे में पूरी स्टोरी बताई है, आपने पूरी स्टोरी में देखा होगा कि मनी नेवर मैटर्स, मनी नेवर यू नो मेक्स मी क्रेजी, एंड आई विल रिपीट द सेम थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी। सो जो भी आपने कहा हिंट दे दो, हिंट यही है, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी। वट एवर विल हैपन समथिंग फॉर एकाग्रता, सो दैट यू विल गेट टू। टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? दोनों है सर। हाँ चलो बहुत अच्छी बात। अरे यार कैसे पता चला तुझे? शिट मैन, बोलना मत यार किसी को। सूरज पैंट कह रहा है ये महीना बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा चल सूरज, ये महीना तेरा अच्छा जा रहा है, खुशखबरी कौन से महीने में है भाई, बधाई हो। हाँ जी, सबने मटेरियल कॉस्ट के टॉप लेक्चर्स देखे पीछे, मजा आया? 2 दिन की रिवीजन तो सबने अटेंड नहीं की है। किसकी? सर आपकी कसम। हाँ सर कसम से, किसकी? आपकी। आई नो यू, यू अटेंडेड। चलो जिसने भी अटेंड किया होगा मजा आया होगा, बहुत अच्छी रिवीजन हुई है, और ट्रस्ट मी अगर सब कुछ सही रहा तो इस तरीके से हम लोग और प्लान करेंगे बाकी टॉपिक के रिविजन्स। मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा, इट वॉज अ वेरी सेंस ऑफ कंटेंटमेंट के जिस तरीके से रिविजन किया, जितने भी लोगों ने अटेंड किया ऑनलाइन, तो बहुत सारे बच्चे थे लाइव में, बट जितने लोगों ने अटेंड किया ऑफलाइन में से, उनको जो बेनिफिट हुआ होगा उनको पता चला होगा कि यार किस तरीके से आप क्विकली पूरा कंटेंट। अब क्या लगता है, अब अगर मटेरियल कॉस्ट रिवाइज करना है कितनी देर का काम है? 2 घंटे? 2 घंटे में हो जाएगा। अमेजिंग। कल जो टॉपिक हमने चालू किया वो तो बहुत इजी टॉपिक है ना? चलो करें होमवर्क, क्वेश्चन चेक करें, सॉल्व करें। आधे घंटे में कर लोगे, बहुत अच्छी बात। क्या हो गया, बंद हो गई? किसका? शुक्ला जी का। आइए आइए, ओ माय गॉड, जब जतिन सर और स्वाति मैम आएंगे तब। अच्छा या अभी आइए आइए, सब जने विश करें आप, यहां पे तो आइए। सो ये हमारे साथ शुक्ला जी, शुक्ला जी का जन्मदिन आज।
मैं मेरे लिए शुगर फ्री मिठाई लाया सो स्वीट ऑफ यू मैन अमेजिंग यार ओह दिस इज व्हाट पिस्ता मेवा एंड व्हाट इज दिस नो आइडिया आई चेक दिस जिसका नो आइडिया है ओह सो नाइस ये देखिए अरे काम करे श्रावणी जी और शुक्ला जी चॉकलेट बांटेंगे पूरी क्लास में वो जैसे बर्थडे में साथ में एक चमचा जाता था ना ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन वालों के लिए आई हैव दिस वन ना दिस वेरी नाइस चलो आप बांटो सब में लीजिए श्रावणी शुक्ला जी के साथ जाए हैप्पी बर्थडे वेरी बैड वेरी Looks so nice. हे बाबा हे पून में फेम ना सोबत नहीं तो आज ही पतले हो जाओगे आप माइंड वर्ल्ड लड्डू इज अमेजिंग कांट टेल यू मैं तभी सोचा आज आप इतने तैयार होके कैसे आए हो हम लड़के सफेद कपड़े पहन ले तो तैयार हो गए लगते हैं माइंड ब्लोइंग मजा आ गया माइंड ब्लोइंग आप भी खाओ मिठाई खाओ खाओ अरे इनको कह रहा हूं जैसे खोलना चाहें आप खोल सकते हैं चॉकलेट अरे वेजिटेरियन है भाई प्योर वेज है चिंता मत कर वहां पर सिर्फ इंसान नॉन वेज है चॉकलेट्स वेज है
सबने दो दो ले लिए क्या? हाँ, उसकी खुशी भी छीन ली है। सही बात है, आप खाओ वो खाओ एक ही बात है ना। दोनों आधी आधी खाओ, प्यार बढ़ता है इससे। जितनी है आपके सामने, दे दो जिसको ले दो, जितनी है आपके सामने। चलो बहुत बढ़िया शुक्ला जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लग दीजिए बहुत पैसे, बहुत वेलकम मैम। हाँ जी हो गया, पढ़ लिया थोड़ा। So, मैं इंडोनेशिया में जिस दिन आना था उसके एक रात पहले गया हूं बस शॉपिंग के लिए, और आई थिंक चॉकलेट्स इज व्हाट आई गॉट। इज इट नाइस राइड? बहुत डिफिकल्ट था टू फाइंड आउट प्योर वेज एगलेस चॉकलेट। हाँ क्या क्लास के बाद मिल तुम मुझे? ओह माय गुडनेस, Priyanshi, you are so intelligent man, amazing. क्या कर रहा है? चलिए बस होमवर्क क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और फिर मैं कुछ और होमवर्क दे देता हूं बस। अच्छा अच्छा चलो, सूरज पैंट क्या कह रहा है? कोई बात नहीं सर, ऑफलाइन मैराथन के लिए आऊंगा। ओ मजा आया, वेलकम। अच्छा अच्छा
लेट्स कम ऑन गाइस, लेट्स मूव अहेड। हो गया, ओके चलो होमवर्क क्वेश्चन चेक करें। हाँ बेटा, ओ बेटा डबल मीनिंग क्या हो गया, हेडलाइट लगाओ और काम चालू करो आगे। कैसे चल रहा आपकी डबल मीनिंग की दुकान, आपकी डबल मीनिंग की दुकान कैसी चल रही है? अमेजिंग। करेंगे सर, बहुत सारी पार्टीज करेंगे। मैं अभी ये ओपनली अनाउंस करता हूं, 7 तारीख की अनाउंसमेंट के बाद अगले वीक मैं आप लोगों को लंच पे लेके जाऊंगा। बस वो कर लेंगे ना बाय डिसेंट। चलो हो गया। अच्छा जिस जिस को घर जाना है प्लीज जल्दी प्लान कर लो ताकि लोग कम रहे। लैग महालैग, ओह माय गॉड। चलो गॉड, मैं गंदा हूं क्या हुआ? बहुत बढ़िया। चलो मेरे को भी नहीं पता। हाँ जी चलो होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं और आज के कुछ और होमवर्क्स मैं आपको दे दूंगा। हर्षित पांडे लिख रहा है 21,500 ज्यादा देने का फायदा। Oh my God. सूरज लिखता है ये मर्दाना कोयल कहां से आई क्लास में। चलो ओके चलो होमवर्क क्वेश्चन चेक करते हैं फटा। बेटा ये हरकत क्लास में मत करो, क्लास के बाहर करो। वो जो कर रहे थे आप दोनों बात करो। चलो भूमि जी करे चेक होमवर्क, क्या क्या करेंगे, होमवर्क ही चेक करेंगे ना और क्या करेंगे। बहुत बढ़िया हो गया सभी का क्वेश्चन 7 कितनी देर में हुआ। चलो देखते हैं। चलो A mini bus having a capacity of 32 passengers operates between two places A and B. The distance is 30 kilometers. Understand? A, B is 30 kilometers. The capacity of the bus is 32 passengers. The bus makes 10 round trips in a day for 25 days in a month. कहीं ना कहीं बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप, है ना। कैलकुलेटर पे ले लीजिए 60 की फिगर। क्लियर हो गया भावना जैन, आई एम सो सॉरी इफ यू फेल्ट सो, है ना। ओके मल्टीप्लाइड बाय ऐसे एक दिन में कितने राउंड ट्रिप्स हो रहे हैं?
10 राउंड ट्रिप्स हो रहे हैं, तो इंटू 10 कर दीजिए। ऐसे एक दिन में कितने महीने हो रहे हैं? एक महीने में, सॉरी 25 दिन इंटू 25, 15,000 किलोमीटर पर बस पर मंथ। अब अगर मल्टीपल बसेस हैं सपोज, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पूरे साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। आई थिंक दैट्स क्लियर। बस एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, मंथ तो मंथ, एनम तो एनम, करेक्ट? ओके। ऑन एन एवरेज द ऑक्यूपेंसी रेशियो इज 70% एंड इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो ऑक्यूपेंसी का काम कहां आता है हमारे, जब हम कैलकुलेट करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। तो बस की कैपेसिटी जो है 32 पैसेंजर्स की है और एवरेज ऑक्यूपेंसी है 70%, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन ट्रिप इज 22.4। गाइस आई डोंट सजेस्ट इसको राउंड ऑफ करना, और अगर करना है सपोज किसी की इच्छा है तो 23 करना, क्योंकि 22.4 सिर्फ टांगे नहीं जा रही है, पूरा जा रहा है ना, तो ठीक है। बट क्योंकि राउंडिंग ऑफ इसलिए मना कर रहा हूं, क्योंकि जब आप टोटल कैलकुलेशन करोगे ना, वो उसमें स्प्रेड हो जाएगा। द डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस आर एज अंडर। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पर कुछ एक्सपेंसेस एनम है, क्वार्टर है, एनम, क्वार्टर, मंथ, क्वार्टर। अच्छा, डीजल या पेट्रोल कॉस्ट तो हमेशा कैसे निकालना पड़ेगा, कितने किलोमीटर ट्रेवल हुआ है मल्टीप्लाइड बाय पर किलोमीटर, है ना। ऑयल एंड सुंदरी 22 रुपीज पर 100 किलोमीटर, ये भी बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। एंड डेप्रिसिएशन इज पर एनम। पैसेंजर टैक्स एट द रेट ऑफ 22% ऑन टोटल टेकिंग इज लेवी। टेकिंग का मतलब क्या सिखाया था, कलेक्शन। तो जो भी टिकट्स बेचकर पैसा मिलता है उस पर 22% पैसेंजर टैक्स है और 25% का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 22 और 25, 27 हो गया। अब देखो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लायर तो हमें नहीं पता, लेकिन यूनिटरी मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन एनुअल बेसिस। डू यू हैव अ चॉइस टू प्रिपेयर मंथली, तो कंपल्सरी पर एनम करना पड़ेगा, इंटू 12, तो 15,000 इंटू 12 ये होता है 180,000 किलोमीटर। नंबर ऑफ पैसेंजर्स उतने ही रहेंगे, 32 into 70% 22.4। तो अब अगर मुझे पैसेंजर किलोमीटर्स निकालना है तो 180,000 इंटू 22.4 40,32,000। ये चेक कीजिएगा सबका सही आया क्या, क्लियर? 40,32,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट फिर से बता रहा हूं कैसा बनेगा, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है एनुअल स्टेट, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट अमाउंट्स ले लेते हैं। इंश्योरेंस 15,600 पर एनम, 15,600 कैलकुलेटर्स पे आप ऐड करते चलिए, 15,600 प्लस गैरेज रेंट 2,400 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर, तो 2,400 × 4 9,000 ऐड करते चलिए, 5,000 एज इट इज लेंगे। रिपेयर्स 4,800 पर क्वार्टर, 19,200, चेक ऑल ऑफ यू। सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ पर मंथ 86,000। उसके बाद में टायर एंड ट्यूब्स पर क्वार्टर 9 कम्स डीजल कॉस्ट। अब रुक जाना, देखो कुछ लोग हो सकते हैं जिसको यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो। 1 लीटर इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 5 किलो, मतलब 1 लीटर डीजल में 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और 1 लीटर का रेट है 13 रुपए। ध्यान से समझना, यूनिटरी मेथड से बताता हूं पहले मैं। तो इसका मतलब है कि 13 रुपए में 5 किलोमीटर। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू?
व्हाट इज द टोटल एनुअल डिस्टेंस, तो उसमें कितना अमाउंट होगा कैलकुलेट कर लीजिए. 1,80,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5. ये सबसे सिंपल मेथड है. अब दूसरी मेथड एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना. ये क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम? पक्का? शिंदे साहब, बाबू ने खाना खा लिया आपके, ये यहां ध्यान देना बाबू. अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बाबू? यहां पे ये कितनों का बाबू बनेगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई. बेटा, अपने चेहरे छुपाने से अपने कर्म नहीं छुपा सकता. चलो, दूसरा तरीका क्या है समझना. हमने वो पिछले क्वेश्चन में किया था, रेट पर किलोमीटर निकाला था. वो कैसे निकालेंगे समझना. अब मैं 13 रुपए में 5 किलोमीटर चला सकता हूं, 1 लीटर 13 रुपए का, और 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल रहा है? 5. तो 13 डिवाइडेड बाय 5, दिस गिव्स यू 2.6 पर किलोमीटर. ये क्लियर हो गया? अब मैं 180,000 किलोमीटर को 2.6 से मल्टीप्लाई करता हूं. चेक करिएगा, आर यू स्टिल गेटिंग सेम आंसर? 4,68,000. आया समझ में? तो हम इसको यहां पर एज इट इज ले लेते हैं, 4,68,000. उसके बाद लिखा है ऑयल एंड सुंदरी, 100 किलोमीटर ₹22 पर 100 किलोमीटर. अब मैं यहां पर किलोमीटर रेट निकाल सकता हूं, ₹22/100 किलोमीटर का. तो 22 डिवाइडेड बाय 100, कैन आई से 0.22 पर किलोमीटर. चेक ऑल ऑफ यू, मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 किलोमीटर, दैट बिकम्स 39,600. चेक करो. क्लियर हो गया? क्या ये भी यूनिटरी मेथड से निकाला जा सकता है? डेप्रिसिएशन 68,000 पर एनम, दैट्स ऑल. टेक टोटल 7,900. यहां चेक कीजिए सब जनों का, यहां तक आया 7,25,800. अब सवाल क्या है? Prepare operating cost statement on annual basis and find out the cost per passenger kilometer and one way fare. Annual cost निकल गई, इसको मैं डिवाइड करूंगा, cost per passenger kilometer भी निकल जाएगा, लेकिन मुझे one way fare find करना है. Fare कैसे निकलेगा? मुझे पहले उसके लिए उसमें 22% taxes और desired profit add करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए कैसे करेंगे वो. We know that cost price plus प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, हमारा टोटल कॉस्ट सपोज टेकिंग्स है 100, टैक्सेस है 22 और प्रॉफिट है 25, टोटल कितना होगा? 47. क्लियर हो गया यहां तक? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 47 बिकम्स 53. क्लियर हो गया? पक्का? कोई डाउट? अब मुझे मेरी एक्चुअल कॉस्ट पता है 7,25,800. इसके बेसिस पर अगेन यूनिटरी मेथड फॉलो करके मुझे टोटल टेकिंग्स निकालनी है. कैसे निकालते हैं जिसको नहीं आता? 7,25,800 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 53. 1,369,434. चेक ऑल, ये आया आंसर? सबका सही आया? अब ये अभी तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेन आंसर्स बचे हैं. सबसे पहला कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट 7,25,800 डिवाइडेड बाय 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर. 7,25,800 डिवाइडेड बाय 1,80,000. अच्छा हाँ, 40,32,000. ओके, यू आर राइट. डिवाइडेड बाय 40,32,000.
725,800 डिवाइडेड बाय 40,32,000 0.18। चेक करिएगा सर, इसमें टैक्स ऐड नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन एनुअल बेसिस एंड फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। दोस्तों नॉर्मली ये जो टैक्स है ये हमारी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमें कलेक्ट करके आगे देना है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारी कॉस्ट नहीं होगी, 0.18। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वन वे फेयर। वन वे फेयर कैसे निकालेंगे? पहले हमें निकालना पड़ेगा टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। याद आ रहा है, मैंने वो एक एग्जांपल दिया था, फिर मैंने कहा था एग्जैक्टली 50% चार्ज नहीं करते हैं ना। सो टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल टेकिंग 1369,434 डिवाइडेड बाय 40,32,000। अभी ये आंसर नहीं है, आपको निकालना है वन वे फेयर। वन वे फेयर, वन वे का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर्स। सॉरी, अच्छा फेयर बता रहे हैं 3396, 10.188। चेक करिएगा आंसर। हाँ जी, क्या बोल रहा है? किस चक्कर में फंसी हो सीमा? क्या डाउट है बोलना, विकास भैया बताओ बताओ। तो मैंने उसका आंसर दिया ना, टैक्स इज नॉट अ कॉस्ट बिकॉज कलेक्ट करेंगे और आप आगे पे करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो कितनी देर लगी होगी, 15 मिनट से कम लगा है तो सही है। चलो, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव द पोस्टिंग इन इंडेक्स। यस प्रियांशु, नॉट अ प्रॉब्लम डियर, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, शंकर हैज बीन प्रॉमिस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू रन अ टूरिस्ट कार ऑन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ मल्टी नेशनल फर्म। ही बाइज अ कार फॉर ₹10,50,000। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर 4,500 and 900 रिस्पेक्टिवली। ही हैव टू पे 500 पर मंथ फॉर अ गैराज रेंट वेर ही कीप्स द कार व्हेन इट इज नॉट इन यूज। कार की जो परचेज कॉस्ट दी है उससे हमें क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन। द एनुअल रिपेयर कॉस्ट आर 4,000। कार इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 10 years, एट द एंड ऑफ व्हिच इट्स गोइंग टू फेच ₹50,000। ही हायर्स अ ड्राइवर टू बी पेड 300 पर मंथ प्लस 10% ऑफ द टेकिंग्स एज कमीशन। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू ₹200 पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल बिल कॉस्ट ₹500 पर 100 किलोमीटर्स। The car will make 2 round trips each day, assuming that a profit of 15% on taking is desired and that the car will be on the road for 25 days on an average per month. What should be the charge per round trip? Ek round trip ka. Abhi the question tha one way fare ka. Ye charge per round. Calculation aap monthly bhi kar sakte hain aur annually bhi kar sakte hain, jo bhi karna chahe, theek hai? To mujhe jo yahan data dikh raha hai, काफी सारी कॉस्ट एनुअली दी है, तो ज्यादा बेटर क्या है, एनुअली करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया है कार की कॉस्ट 10,50,000, नीचे का है स्क्रैप वैल्यू 50,000, लाइफ है उसकी 10 साल, तो डेप्रिसिएशन होगा ₹1,00,000। चेक करिएगा, दो और कॉस्ट दी है, इंश्योरेंस 4,500 एंड टैक्सेस 900, 4,500 एंड 900। सर ये टैक्सेस क्यों ऐड किए?
ये टैक्सेस क्यों ऐड किए और वो क्यों नहीं किए थे? अरे भैया वो पैसेंजर से जो चार्ज किए वो टैक्सेस हैं, समझ में आ रहा है? ये कार के जो रोड टैक्स वगैरह होता है ना, ये वो है, ठीक है। द एनुअल रिपेयर कॉस्ट इज 4000, चलिए। और उसके बाद जो लाइन है उसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं फॉर डेप्रिसिएशन। ही हायर्स अ ड्राइवर टू बी पेड 300 पर मंथ, 300 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 10% वेरिएबल है जिसको हम बाद में लेंगे। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर 200 पर मंथ इंटू 12 मंथ, दैट बिकम्स 2400। उसके बाद कहा है पेट्रोल एंड ऑयल बिल विल कॉस्ट ₹500 पर 100 किलोमीटर। पर किलोमीटर कितना हो गया? सब जनों को ये डेटा निकालना आ रहा है, ₹500 100 किलोमीटर का, मतलब एक किलोमीटर का ₹5। अब हमें इसके लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। पहली लाइन में कहा है शंकर हैज बीन प्रॉमिस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू रन अ टूरिस्ट कार ऑन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रन, 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा है, कार विल मेक टू राउंड ट्रिप्स ईच डे। अब ये 20 किलोमीटर राउंड ट्रिप नहीं है, एक साइड का है, लॉन्ग रन। तो 20 जाएगा, 20 आएगा, 40 इंटू टू राउंड ट्रिप्स ईच डे इंटू हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, और अब क्योंकि हम एनुअली निकाल रहे हैं तो इंटू 12, तो 40 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12, 24,000 किलोमीटर ले लेंगे ना भाई, पहले तो निकाल लूं। 24,000 किलोमीटर सही है, एक किलोमीटर का पेट्रोल का खर्चा कितना है? ₹5। तो 24,000 का कितना हो गया? 1,20,000। हाँ जी, अब बोलो क्या रह गया भाई? 500 पर मंथ, मतलब ₹6,000 का गैरेज रेंट, ठीक है। अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पेट्रोल कॉस्ट हो गया, कार विल मेक, आई थिंक कॉस्ट तो सारी हो गई। लेट्स टेक टोटल 1,04,500 प्लस 900 प्लस 7,600, 2,400, 1,20,000 और 6,000, 2,41,400 आया। यहां तक सभी का चेक करो, कोई परेशानी प्रॉब्लम? वर्मा जी ऑल ओके, क्लियर, ऑल ओके। अब यहां पर आपसे कहा है कि इसमें हमें दो चीजें अलग अलग ऐड करनी है, विच विल मेक 25% टोटल। अच्छा, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैं सिंपली इसका 1/3 ले लेता हूं, जो उसमें ऐड करना होगा 80467। चेक करिए, ये हो गई मेरी टोटल टेकिंग्स। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर से। किलोमीटर हमें पता है, पैसेंजर्स तो दिए ही नहीं है। कैसे करेंगे? अब मैं आपका आंसर देता हूं भाई, ये कार है, ये बस नहीं है। जनरली कार शेयरिंग बेसिस पे नहीं, आप अगर एक कार किराए पे लेते हैं, अब आप उसमें एक पैसेंजर ले जाए या चार ले जाए, उसका किराया उतना ही लगता है, समझ में आ रहा है? अब ये मत बोलना सर हमारे गांव में तो वहां किराए से चलती है, मतलब बैठाते हैं ₹10 सीट, ऐसे नहीं चलते जनरली। See, there is a difference between a public transport and car which is like a private transport. आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पैसेंजर की जरूरत नहीं है, जो भी बेसिस होगा वो होगा किलोमीटर्स, समझ गए आप? It will be kilometers. तो what is the divided by total kilometers? So you will मैंने खत्म कर दिया, दो मिनट तो रुक जाओ मैडम, दो मिनट। एक किलोमीटर का टेकिंग कितना हुआ? 13.41 पर किलोमीटर, ठीक है। ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ये क्या निकला है? टेकिंग्स पर किलोमीटर।
क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वो शुड बी द चार्ज पर राउंड ट्रिप, चार्ज पर राउंड ट्रिप दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर इंटू 13.41. चेक ऑल ऑफ यू, आप राउंडिंग ऑफ करके 536 लिखते हैं तो भी चलेगा. वो निकालने के लिए आपको 13.41 निकालना पड़ेगा पहले. आपको लॉजिक समझ में आया, कार के केस में पैसेंजर किलोमीटर क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वहां लिख के रखो आंसर के पास, हाँ, देर इज नो पैसेंजर किलोमीटर इन केस ऑफ कार, या सेल्फ एनालिसिस पेज पे भी लिख सकते हो जहां पे भी ठीक लगे. देर इज नो पैसेंजर किलोमीटर इन केस ऑफ कार बिकॉज इट इज अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. There is no passenger kilometers in case of car because it is a private transport. कितनी देर में हुआ था ये क्वेश्चन? मजा आ रहा है ये टॉपिक में? हाँ, प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है. इंडेक्स में पोस्ट किया 7 और 9. अभी तक भी किसी ने इंडेक्स नहीं किया तो कर सकते हो, मौका है इस चैप्टर का. कितने क्वेश्चंस हुए हैं? 2, 3, 7, 9, दैट्स ऑल. 1 भी हो गया ना, हाँ, 2, 1, 3, 7, 9, 5 ही क्वेश्चंस हुए हैं. फटाफट इंडेक्स अपडेट कर दीजिए, 2, 1, 3, 7, 9. आज आप एकदम ऐसे ही मोनोटोनस क्वेश्चन चाहते हैं या थोड़े से दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन चाहते हैं? थोड़ा दिमाग चलाएंगे. मैं आपको दो क्वेश्चंस आज दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है? एक है क्वेश्चन नंबर 8. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. एक कंपनी है, उस कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो अलग अलग जगह जाकर ट्रैवल करके कंपनी के गुड्स बेचते हैं ना, उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काफी ट्रैवलिंग होता है, जिसको क्वांटिफाई किया गया है एज 20,000 किलोमीटर पर ईयर. अब उनको अलग अलग जगह भेजना है तो आप 3 ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1 यह है कि कंपनी खुद अपनी कार्स खरीदे और कंपनी उन कार्स को मेंटेन करे. अगर आप कार खरीदोगे तो खरीदने का भी खर्चा आपका, पेट्रोल डीजल टायर फायर सब आपका, और आप अपने एम्प्लॉयज को दे जो वो उसको यूज करके ट्रैवल करेंगे. क्लियर हो गया? दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ये एग्जीक्यूटिव्स है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनके पास खुद की कारें हैं. आप इनको बोले आप अपनी कार यूज करें, हम आपको रीइंबर्समेंट कर देंगे. वो वहां पे दिया है क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ कहानी ही समझा रहा हूं. और तीसरा ऑप्शन ये है, ना हम खरीदें और ना उनको रीइंबर्समेंट करें, हम किसी से किराए पर ले लें. कोई थर्ड पार्टी है, उसको बोले आप अपनी कार हमें किराए पर दो, फिर उसके जो भी खर्चे होंगे वो खर्चे हम उठाएंगे. तो आपको एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, जहां पर ये तीनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करके आपको बताना है कि सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन कौन सा है. आपके दिमाग में फॉर्मेट क्या आ रहा है इसका? परफेक्ट है, पर्टिकुलर्स और 3 कॉल. क्लियर हो गया? ये आपका पहला होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8. दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. कॉस्ट जो है ना दोस्तों, वो हमेशा सिर्फ
एक्चुअल बेसिस पे नहीं लगती है, कभी कभी टाइम बेसिस पे भी कॉस्ट लगती है। वो एक ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आपको याद है, फायर ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, वहां पे दो टाइप की कॉस्ट थी और कॉस्ट वॉज इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन। थोड़ा थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको ब्रीफ बताता हूं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके दो अलग अलग माइंस हैं, माइंस का मतलब खदान, खदान से एक्सट्रैक्शन करते हैं आप जो भी है स्टोन सैंड जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको आप रेलवे प्लॉट पे लाके छोड़ते हैं, खदान से ट्रक से लोड करके रेलवे प्लॉट पे लाते हैं जहां पर रेलवे में उसको लोड करके फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपकी दो माइंस हैं, माइन ए और माइन बी। अब माइन ए में लोडिंग का समय अलग है, माइन ए का रेलवे प्लॉट से डिस्टेंस अलग है तो ट्रैवलिंग टाइम अलग है, और फिर रेलवे प्लॉट पे पहुंचने के बाद अनलोडिंग का टाइम लगता है। माइन बी उधर लोडिंग का समय अलग है, ट्रैवलिंग का टाइम अलग है और फिर अनलोडिंग का टाइम लगता है। ये आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पर कॉस्ट दो बेसिस पर लग रही है, एक तो समय के बेसिस पे और दूसरा डिस्टेंस के बेसिस पे। आपको लास्ट लाइन पढ़िएगा, ड्रॉप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल्स फ्रॉम ईच माइन। भाई मैं अगर बिजनेसमैन हूं और मैं ये मिनरल्स को दो अलग अलग माइन से मंगवा रहा हूं तो मैं तो ये जानना चाहूंगा ना कि कौन सी माइन से सस्ता पड़ता है और कौन सी माइन से महंगा पड़ता है। तो मुझे टोटल कॉस्ट देखना, कभी भी टोटल कॉस्ट पे शायद ये ना निकले, टोटल कॉस्ट पे डिसीजन निकल सकता है अगर दोनों माइन से सेम क्वांटिटी आ रही है तो, बट व्हाट इफ अगर अलग अलग क्वांटिटी आ रही है तो? तो मुझे क्या अप्रोप्रिएटली निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर कॉम्पोजिट यूनिट क्या है, टन किलोमीटर। तो मुझे ये एक स्टेटमेंट बनाना है, फॉर्मेट क्या बन रहा है माइंड, पर्टिकुलर्स माइंड ए माइंड बी, परफेक्ट। बस ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अगर आपको याद हो 14 नंबर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आपने जहां पर भी सॉल्व किया है रजिस्टर में यहां पर उसका पेज नंबर लिख दीजिए फटाक से, और अपने इंडेक्स में इस चैप्टर के इंडेक्स में भी पोस्ट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 किया है। यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द रजिस्टर पेज नंबर ओवर देयर। मतलब यार ये टॉपिक देखो इतना इंटरेस्टिंग है, हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, कल हम स्कूल बस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर देखो लाइब्रेरी में पहली मुलाकात होती है लाइब्रेरी में, उसके बाद में हम जाते हैं होटल में और होटल से ठीक है। सो होम लोन आप देखेंगे, होम लोन कॉस्टिंग, टोल प्लाजा कॉस्टिंग, आईटी कंपनी कॉस्टिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉस्टिंग, देयर आर सो मेनी मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू सी, करेक्ट। चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।